तो दोस्तों, क्या आप जानते हो भारत में खेती के बाद किसानों के लिए मुख्य रूप से आय का स्रोत पशुपालन होता है। और मजे की बात तो यह है कि इसमें से भी अधिकतर पशुपालक गायों का ही पशुपालन करते हैं। और आमतौर पर विशेषज्ञ लोग पशुपालकों को सबसे ज्यादा जर्सी गाय का ही पालन करने की सलाह देते हैं। और क्या आप जानते हो जर्सी गाय को दुधारू गायों में से एक माना जाता है। और दोस्तों, इससे पहले कि आप जर्सी गाय के बारे में और भी कुछ जाने, उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्सी गाय का मूल स्थान इंग्लैंड के नजदीक जर्सी द्वीप समूह इंग्लैंड चैनल में है। और वैसे आपको बता दे, जर्सी गाय की पहचान करना बेहद ही ज्यादा आसान है। इस गाय का रंग हल्का पीला होता है, जिसमें सफेद रंग के बहुत से धब्बे बने रहते हैं। और वैसे इन गायों में किसी किसी का रंग हल्का सा लाल या फिर बादामी भी होता है। और साथ ही इस गाय का सिर छोटा होता है और पीठ और कंधे एक लाइन में होते हैं, यानी कि जर्सी गाय लंबे सींग और बड़े कुबड़ वाली नहीं होती। और साथ ही जर्सी गाय का शरीर बेहद विकसित एवं चुस्त होता है और वजन करीबन 350 किलो से 400 किलो तक हो सकता है। और साथियों, हैरत की बात तो यह है कि जर्सी गाय आमतौर पर एक दिन में 12 से 15 लीटर दूध दे सकती है। जर्सी गाय अच्छा दूध देने वाली नस्ल है। एक 350 दिन व्यंत में जर्सी की औसतन दूध पैदावार 4000 लीटर एवं उसमें 5.3% बसा पाया जाता है। और साथ ही ये गाय 23 से 24 माह की आयु के बीच में अपना पहला बच्चा जन्म देती है। जर्सी गाय खुद को ठंड तापमान में अच्छी तरह से ढालना जानती है। इन गायों के अच्छे दूध के पैदावार के लिए ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसके विपरीत इन गायों को गर्म मौसम में अपने आप को ढालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी कारण विशेषज्ञ इस गाय के अनुकूल तापमान वाले परिस्थितियों को बनाने की सलाह देते हैं, जहां आमतौर पर देसी गाय अपना पहला बच्चा 30 से 36 महीनों में देती है और दूसरी ओर जर्सी गाय 18 से 24 महीनों के पहले ही अपना बच्चा जन्म दे देती है। और भारतीय गाय के मुकाबले ये गाय अपने पूरे जीवन काल में करीबन 10 से लेकर 12 बच्चे और कभी कभी 15 बच्चों तक को जन्म दे सकती है। और साथ ही मुनाफे की बात तो यह है कि जर्सी गाय बछड़ों को जन्म नहीं देती। यही कारण है कि ये गाय पशुपालन के लिए बहुत ही ज्यादा मुनाफेदार होती है। पर दोस्तों, बताया जाता है कि जर्सी गाय का दूध बेचकर हम ज्यादा मुनाफा तो जरूर कमा सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं इसके दूध के दुष्प्रभाव भी बहुत सारे हैं। चलिए जरा मैं आपको बताता हूँ। जर्सी गाय अनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित गाय है, जिस कारण जर्सी गाय के दूध का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और साथ ही हृदय रोग का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। जर्सी गाय का दूध नियमित रूप से मानव शरीर में BCM7 रसायन पैदा करता है, जो ओपियोइड के सामने होता है। और इसी कारण जर्सी गाय के दूध का सेवन करने से कुछ लोगों में लैक्टोज इनटॉलरेंसी हो जाती है, जिस कारण दस्त, उपच या फिर उल्टी की समस्या हो जाती है। और साथ ही बच्चों में ऑटिज्म की भी समस्या हो सकती है। और इससे भी बुरी बात तो यह है कि एवन दूध का सेवन करने से हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कम हो सकती है और साथ ही सिज़ोफ्रेनिया, पेट का अल्सर, टाइप 1 मधुमेह का कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आप जर्सी गाय का पशुपालन करना चाहते हैं, तब आप जरूर जर्सी गाय के फायदे और नुकसान सोचकर ही उसे खरीदे। तो दोस्तों, यदि आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए।